अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। हम लोग बना रहे हैं पोटैटो चिकन बर्ड नेस्ट। नेस्ट बनाऊंगी मैं, पहले कटलेट का ना उसको शेप ऐसी देंगे कि वो चिकन का जो नेस्ट होता है वो लगेगा। और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, मैं आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहा है मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया था। ये चिकन है, चिकन का एक मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था, वो जो एक ब्रेस्ट पूरा होता है मैंने वो लेके उसको बॉईल कर लिया था विदाउट एनी स्पाइसेस। और उसको भी मैंने ये श्रेड कर लिया छोटा छोटा सा। आप चाहें तो ये ना भी डालें, खाली पोटैटोज़ के भी आप ये कटलेट्स बना सकते हैं, ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं जस्ट पोटैटोज़ के साथ भी। और ये हम इसकी कोटिंग करेंगे, ये सेवइयां हैं छोटा छोटा सा मैंने इनको काट लिया। बाकी जो स्पाइसेस इसके अंदर जाने हैं वो ये हैं, नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये वो स्पाइसेस हैं, मिक्स होल स्पाइसेस हैं, गरम मसाला, और ये है सूखा धनिया, और ये लाल मिर्चें हैं। ये मैंने हाफ टीस्पून लाल मिर्चें ली हैं, रेड चिली पाउडर है, और वो क्यूमिन सीड्स हैं और बटन रेड चिलीज, उनको मैंने हल्का हल्का सा क्रश कर लिया है। इसके अलावा ये हरी मिर्चें हैं, ये आप डालना चाहें डालें, ये टेस्ट अच्छा लगता है ये इसका। और ये प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, छोटी सी प्याज बारीक बारीक कट कर ली है मैंने। और ये मैदा है, मैदा का हम पानी के साथ पतला सा घोल बनाएंगे, बैटर बनाएंगे, और उसके अंदर इसको डिप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बड़ा सा बोल ले लें, उसके अंदर ये मैंने पोटैटोज़ ऐड किए हैं। पोटैटोज़ को अच्छे तरीके से मैश करना है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैश करना है, अदरवाइज जो है फिर वो हाथों से कर लें या जो भी आपके पास मैशर है आप उससे करके। ये अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड करती जाऊंगी। ये मैं चिकन ऐड कर रही हूँ, देन ये हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें, और ये सारे स्पाइसेस जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से आपको बता दी है। अब इन सबको मैं अच्छे तरीके से मैश करूँगी। ये अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया सबको। अब ये मैदा को मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करके इसका पतला सा मैं बैटर बना लूँगी। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसका। इसकी हम जितनी भी साइज़ आप इसका रखना चाहें, इस तरह से मोटी सी ये थोड़ी सी होती है, और हम इसका बीच में से ऐसे साइड इसकी थोड़ी सी मोटी करें, ये वाली शेप आती है इसकी। कटोरी टाइप एक शेप आती है इसकी, आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, बीच में से थोड़ा सा आप इसको जो है इस तरह से डैप डैप करें। और उसके बाद जो ये मैंने बैटर बनाया था मैदे का और पानी का, पतला सा बैटर बनाना है आपने, वो उसके अंदर उसको डिप करें। और उसके बाद जो है ये जो सेवियाँ हैं मैंने इनको छोटा छोटा सा क्रश कर लिया था, उसको इसके ऊपर लगाएँ अच्छे तरीके से, चारों तरफ से, हर तरफ से मीन्स कोट करें इसको। सेंटर में से सेवियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो वो उसको आप डस्ट ऑफ कर लें, मीन्स उसको उल्टा करके ऐसे साफ़ कर दें। मैंने 2 कंप्लीट कर लिए थे, ये थर्ड वाला बनाया। इसी तरह से इसको मैदे का कोट करें एंड देन सेवियाँ लगाएं इसके ऊपर। अभी देखिए रेडी हो गए हैं, मैंने ये 3 और ये 4 बनाए हैं। अभी मैं सिर्फ यही इनको ही फ्राई करूँगी, बाकी मैं बाद में। ये रेडी है, इसके बाद ऑयल जो है अच्छे तरीके से हीट अप कर लें। अब ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, मीडियम फ्लेम पे ही रखें ताकि अच्छा सा प्यारा सा कलर आए इसके ऊपर ना।
एक्सेस सवैयाँ जितने भी थी वो मैंने इसकी झाड़ दी हैं, डस्ट ऑफ कर दी हैं। इसके अंदर भी ऑयल अगर आप डाल देंगे ना तो ये आपको पलटना नहीं पड़ेगा, खुद ही कुक हो जाएगा ऊपर नीचे से। ऑयल इतना ज़्यादा लें आप कढ़ाई के अंदर कि पूरा जो ये कटलेस है वो उसके अंदर डिप हो जाए, ताकि आपको पलटना ना पड़े वो अंदर बाहर से। ये देखें अब उसके अंदर क्योंकि ऑयल है तो जिसकी वजह से वो अंदर से भी कलर एक साथ ही अच्छा सा आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि 3 to 4 minutes इसको लगते हैं, तो क्योंकि ऑयल भी पोटैटोज भी कुक्ड हैं और चिकन भी कुक्ड है, तो बाकी स्पाइसेस हैं जो इतनी देर में तो कुक हो ही जाते हैं, तो हर चीज़ ही कुक है। बस इसको जो ऊपर से कलर हमने देना है वो 2-3 minutes लगेंगे। मीडियम आप फ्लेम रखें और इसको थोड़ा सा 2 मिनट दें तो ये रेडी हो जाएंगे। ये बिल्कुल प्यारा सा कलर आ गया इनका, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से ऑयल इसमें से निकाल लें। अब मैंने ये कोटी चीज़ बनाने के लिए 3 cups जो है मैंने मिल्क के लिए हैं। अब इसके अंदर मैं 1 tablespoon सिरका ऐड करूँगी। अभी इसको बॉईल आ रहा है, जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा देन मैं इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर ये सिरका ऐड करूँगी 1 tablespoon। हमें इसका पनीर बनाना है। ये देखें वो कर्डल हो गया है दूध साथ ही, जो मिल्क है वो कर्डल हो गया है। एक दो मिनट और इसको देंगे ताकि कंप्लीटली जो है इसका पनीर दूध से अलग हो जाए। ये देखें देन मैं इसको कपड़े में रख के छान लूँगी, मीन छलनी नीचे रख के उसके ऊपर कपड़ा रख के मलमल का, तो इसको मैं छान लूँगी और फिर मैं आपको दिखा। पनीर मैंने बना लिया है उस दूध से जिसमें मैंने सिरका डाला था, आपको मैंने अभी दिखाया है। तो अब इसको अच्छे तरीके से हाथों से मसल मसल के, तो इसके जो है मैं छोटे छोटे से अंडे बना लूँगी नेस्ट में रखने के लिए। पहले इसको अच्छे तरीके से हाथों से मसल लें ताकि ये स्मूथ हो जाए। ये मैंने बना लिए हैं इसके छोटे छोटे से अंडे और इनको मैंने रख दिया, तो आप देख सकते हैं। तो मज़ेदार सी बर्ड नेस्ट रेसिपी रेडी है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।